एक नई डेस्टिनेशन पे हैं आज हमारे साथ 9th और 10th की तालिबात है। आज हम गुलमर्ग आए हैं और हमारे साथ मुझे ये वीडियो अपना अधूरा लगता है कि जब तक ना इसमें रोजी मैडम और लवली मैडम होंगी जब तक ना ये एक्सकर्शन के हवाले से इस दिन के हवाले से अपने तासुरात बयान करेंगी। तो आज के दिन के हवाले से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी रोजी मैडम, कैसा लग रहा है आज हम गुलमर्ग में हैं? इससे पहले हम यहाँ पे गए थे, दूध पथरी गए थे, वहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और आज क्या लगता है आपको, क्या आज का दिन जो है वो इंजॉयबल है कि नहीं? पहले मैं ये कहूँगी कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ये हिंदुस्तान का ताज है। यहाँ की सारी सेहत अफजा मुकाम जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, दौलतपथर, जो कोई भी सेहत अफजा मुकाम है वो बेहसीन है, वो आला है, वो खूबसूरत है। तो हम यहाँ आके ही बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। हमें तो और अच्छा। सोपोर से हायर सेकेंडरी से यहाँ तक आपने कितना एंजॉय किया बच्चों के साथ? बस में, एक्चुअली बच्चे बस में ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और अभी मुझे एक स्टूडेंट बोल रही थी, मैडम गुलमर्ग ये तो कम ही डिस्टेंस है सोपोर से यहाँ तक, तो हम लेट पहुँचने चाहिए सुकून। मैंने बोला चलो आपको रात को यही स्टे करना पड़ेगा, इसलिए आप फिर हमारे घर आ जाओ अगर आपको नहीं पहुँचना है। लवली मैडम हमारे साथ है। लवली मैडम, क्या कहना चाहेंगी आप इस दिन के हवाले से? ये कहना चाहती हूँ कि गुलमर्ग बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत। वैसे तो हर एक जगह खूबसूरत है लेकिन गुलमर्ग ज्यादा ही है। गुलमर्ग ज्यादा यहाँ की सीनरी मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे सबसे ज्यादा पहलगाम अच्छा लगा। हाँ, तो यहाँ हम ए बच्चे भी पहलगाम दूर है हमारे लिए, पहलगाम दूर है वगर ना जाते। ज्यादा खूबसूरत जगह, यहाँ बच्चे एंजॉय भी करते हैं, तो बच्चे भी खुश है कि हम यहाँ गुलमर्ग आ गए, तो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बेटा बोलो, क्या ये जो यहाँ आज हम गुलमर्ग आए हैं क्या लग रहा है आपको? यहाँ के मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ की सीनरी बहुत अच्छी है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। पहले हमें गाड़ी में ही ज्यादा एंजॉयमेंट होता है, तो उसके बाद हम पहले गुलमर्ग आए, तो यहाँ की सीनरी बहुत अच्छी है और हम बहुत ज्यादा इंशाल्लाह।